हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सूफिया। आज हम बनाएंगे पुणे की तंदूरी चाय। मेरे पास तंदूर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको गैस पे बनाना बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है, एकदम डिफरेंट इसका टेस्ट होता है, एकदम सौंदा सौंदा सा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें इसको, जो हमने कुल्हड़ लिया है, इसको हमें गैस पर इसको रोस्ट करना है। मैंने गैस ऑन कर दी है और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, जिससे इसके जो फ्लेम है इसके ऊपर तक आए और ये अच्छे से इसको गर्म होना चाहिए। इसे करीब 2 मिनट हो गए हैं, तो आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको हम दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देंगे। इसको हमें अच्छे से, इसको चारों तरफ से इसको रोस्ट करना है। तो इसे हम दूसरी गैस पे इसको शिफ्ट कर देते हैं और इधर बनाएंगे चाय। आप देखेंगे ये लाल हो रहा है, इसको यहाँ पे हम दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं और इसमें हम बनाएंगे चाय। चाय के लिए मैं लूँगी 1/2 कप पानी और इसमें डालेंगे, मैंने अदरक कूट रखी है और हरी इलायची, थोड़ी सी अदरक 1 इंच का टुकड़ा करीब। पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। यहाँ मैंने कुल्हड़ को, इधर मैंने छोटी गैस पे इसको उल्टा करके रख रखा है, जिससे ये अंदर से भी अच्छे से हीट हो जाए। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून शुगर। आप शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं कम ही पीती हूँ। 1.5 चाय पत्ती। इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं। अच्छे से बॉयल आ गया है, यहाँ पर हम मिल्क ऐड कर देंगे और अभी जो हमारा कुल्हड़ है वो भी रोस्ट हो रहा है। तो चाय जब हमारी बनने वाली है तो फ्लेम को हम वहाँ पे हाई कर देंगे, ताकि वो एकदम अच्छे से गर्म रहे। चाय में अच्छे से उबाल आ रहा है, तो यहाँ पर हम चाय को उतार लेंगे और दोबारा से कुल्हड़ इसी गैस पे रख देते हैं और फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं, जब तक चाय छान लेंगे। कुल्हड़ को हम आराम से इसके अंदर रखेंगे और इसमें हम चाय डालेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तंदूरी चाय बनती है, बिल्कुल वैसे ही इसमें आया है। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं कुल्हड़ को और फिर चाय को कप में कर लेते हैं। यहाँ मैंने चाय को कुल्हड़ के अंदर ही करा है, क्योंकि इसका असली टेस्ट जो है इसी में पीने में है। तो आप इसको बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसे नाश्ते के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।